नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आपके साथ रिशु चौधरी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। सारण गोलीकांड मामले में दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। बिहार के सारण में चुनाव के बाद हिंसा, दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी में एक की मौत और दो लोग हुए घायल। पीएम मोदी ने राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री जी को दी श्रद्धांजलि। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस का एक्शन, पोर्श चला रहे नाबालिग आरोपी का पिता हुआ गिरफ्तार। हजारीबाग में बीजेपी प्रत्याशी के लिए जयंत सिन्हा ने नहीं किया प्रचार, पार्टी ने भेजा कारण बताओ का नोटिस। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुल के नीचे गिरी यात्री बस, दो लोगों की मौत, 41 हुए घायल। स्वाति मालीवाल केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर भारत ने आज एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। ईरान के राष्ट्रपति रहे इब्राहिम रईसी का आज तबरीज शहर में अंतिम संस्कार होगा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24।